दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आया था मेरे को कि डॉक्टर विश्वरूप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है। वो 3 स्टेप फ्लू डाइट बता रहे हैं, कोरोना के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 3 स्टेप फ्लू डाइट लीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू है, और ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा नहीं करता है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और इसको एक बीमारी समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझ रहे, जितना हवा बनाया जा रहा है उतना तो नहीं समझ रहे, लेकिन हाँ बीमारी मान रहे हैं वो इसको, और इसका इलाज भी बता रहे हैं। और हाँ ये भी बात सही है कि वो जो डाइट बताते हैं वो बहुत सस्ती भी नहीं है, थोड़ा पैसा तो लगता है उस डाइट को खाने में। तो एक्चुअली मैं पहले तो उस डाइट की बात अगर मैं बताऊँ तो वो डाइट हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसा लगता भी तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है उससे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, नो डाउट, बहुत अच्छी चीज़ है वो जो डाइट बताई उन्होंने। बाकी वो इसको मेडिकल या फिर फार्मास्यूटिकल स्कैम से बड़ा कुछ और समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है उनकी वीडियोस देख करके, कि उनको इसको एक फार्मास्यूटिकल या मेडिकल साइंस का एक बस एक स्कैम देखने, जैसे वो हमेशा से एक स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू जैसे स्कैम हो गए, उसी तरह का बस एक स्कैम समझ रहे हैं ये, इससे आगे की बात नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी हो गए, वो इससे आगे की बात करते हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक की बात करते हैं, और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, जेंडर डीपॉपुलेशन की बात करते हैं। वो बंदा जो है डॉक्टर तरुण कोठारी, वो समझ रहे हैं कि एक्चुअली में क्या, जो हम लोग समझ रहे हैं ना उनका दिमाग वहाँ तक है, और हो सकता है हमसे भी आगे हो। लेकिन जो डॉक्टर विश्वरूप हैं, दिमाग तो इनके पास है, नो डाउट, इन्होंने ही, ये मुझे लगता है कि यही लीडर हैं जिन्होंने, जो नॉन बिलीवर्स हैं जैसे हम, मैं और तुम हो गए, हम में से यही लीडर हैं, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, और इनके बाद तरुण कोठारी और फिर और भी कई सारे डॉक्टर्स आके इनके साथ जुड़े हैं। तो इनको चीज़ें पता होनी चाहिए मुझे लगता है, इनको नहीं पता हो ये बात मैं मान नहीं सकता। अगर इनको नहीं पता है तो फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं कि फ्लू डाइट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो फ्लू डाइट तो ये हर बीमारी के लिए रिकमेंड करते ही हैं अपनी, कि कोई भी बुखार हो आपको, कुछ भी हो, आप यही डाइट लो, आप सही हो जाओगे, उनका ये क्लेम है। तो इसमें भी लोगों को बस वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी बीमारी हो तो आप फ्लू डाइट लो। लेकिन एक गलत बात यहाँ पर ये कह रहे हैं वो, कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हमने सही किया, पॉजिटिव पेशेंट को हमने नेगेटिव किया। तो यहाँ पे तो इनकी बात सुनकर के थोड़ा सा लगता है कि क्या ये बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में फंसे हुए हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, बीच में भी लोग हैं कुछ फंसे हुए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पे ट्रस्ट करें या ट्रस्ट ना करें, वो बीच में फंसे हुए हैं। तो डॉक्टर तरुण डॉक्टर विश्वरूप की बातों से लगता है कि ये बीच में फंसे हुए हैं और सही से समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, ये अभी भी बस फार्मास्यूटिकल का स्कैम समझ रहे हैं, इससे बढ़ के आगे बात नहीं करते हैं। पॉजिटिव पेशेंट, जबकि हमें पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो थ्योरी एकदम बकवास है, ये टेस्टिंग किट ही जब ख़राब है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव करना है, पॉजिटिव पेशेंट को सही करने वाली बात अपनी फ्लू डाइट से, ये इस चीज़ को ये जोड़ ही क्यों रहे हैं यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर कोई एक्चुअली में बीमार हो तो उस पर वो डाइट लगाओ और उसको सही करो, बस ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन ये जो बीमारी फैल रही है इसके पॉजिटिव पेशेंट को लेकर के हमने सही किया, ये हो सकता है कि वो जो फार्मास्यूटिकल स्कैम है इनका, इनका ये जो कर रहे हैं ये कहीं से भी गलत नहीं है। इससे अगर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो हमें नुकसान भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा ही होगा, कि एक्सपोज तो कर ही रहे हैं, इन्होंने ही सबको सबसे ज़्यादा जागरूक किया स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। मैं भी सबसे पहले इन्हीं की वीडियो देखा, उसके बाद फिर और रिसर्च किया। मैं इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखता हूँ, स्टार्टिंग में जब HIV वाली वीडियो देखी थी मैंने इनकी, डायबिटीज़ की वीडियो देखी थी, ये जो अभी बीमारी फैल रही है सी, जो सी वाली बीमारी फैल रही है, चूतिया वाली, तो इसके बाद इनकी एक वीडियो आई थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो वो देखी मैंने और उसी समय मेरे को समझ में आ गया था। तो फिर मैंने इनकी वीडियो से आगे बढ़ गया था, मैं और चीज़ों पे चला गया था, मैं और डीप रिसर्च में चला गया था। इनकी बात वहीं तक ही अटकी हुई थी, वो वहीं तक आज भी अटकी हुई है, ये फ्लू डाइट ले लो, ये 3 स्टेप जो डाइट है इनकी वो लो, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं आपको अफेक्ट कर पाएगी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, यही इनकी उस समय भी बात यही थी, आज भी बात इनकी यहीं पर ही अटकी हुई है, इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा भी कि अभी ये
इनको पूरी नॉलेज नहीं है, या फिर अगर इनको नॉलेज है तो हो सकता है डर के नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। और डीप स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो उसकी जान पे ख़तरा होता है भाई, की जान पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। हम लोग छोटे मोटे, डॉक्टर तरुण कोठारी भी बिश्रूप जितने बड़े नहीं हैं, हैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही, मतलब उनके बाद उन्हीं बिश्रूप के बाद तो डॉक्टर तरुण कोठारी का ही नाम आता है, नो डाउट। लेकिन बिश्रूप उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, उनके सब्सक्राइबर मिलियन पहुँचने वाले थे, तरुण कोठारी के उतने नहीं हैं। तरुण कोठारी भी बहुत ही अकलमंद वाली बात करते हैं, उनको नॉलेज है, वो वहाँ तक सोच रहे हैं जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं, उससे भी आगे उनकी सोच है, उनकी रिसर्च हमारी रिसर्च से भी आगे है। लेकिन बिश्रूप बस एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट कर लो। और हो सकता है इनको, बिश्रूप को पता, मैं वही बात बोल रहा हूँ दोबारा से, कि इनको हो सकता है पता हो, हम लोग सोच रहे हो कि ये पूरी बात क्यों नहीं बोल रहे हैं, बस एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए हैं। हो सकता है इनको जान का खतरा हो, धमकी हो, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि तरुण कोठारी के साथ तो ये उठते बैठते हैं, जिस बंदे के साथ उठ बैठ रहे हैं उसकी बात से अग्री कर रहे होंगे ना, ये बोलते नहीं हैं। हो सकता है इनका खुद का रीज़न हो, दो बात हो सकती है, या तो यही रीज़न है कोई कि धमकी है, धमकी मिली हुई है, जान का ख़तरा है, नहीं बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में पूरे इंडिया में नॉन बिलीवर्स में सबसे ऊपर यही हैं डॉक्टर बिश्रूप, क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने करी। और दूसरा रीज़न यही हो सकता है कि इनको नहीं पता है अभी तक, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इससे ज़्यादा ऊपर ये कुछ समझते नहीं है कि ये बस एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जितना जितना बताया जा रहा है उतना हुआ नहीं है, बस उतना ही शायद ये सोच रहे हैं, यही दो बातें हो सकती हैं। फ़िलहाल इनकी जो डाइट है वो कहीं से भी ख़राब नहीं है, बट एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सच में ही बीमार पड़ते हो तो ही उस डाइट को लेना, अगर आपको दवाइयाँ नहीं लेनी हो डॉक्टरों की फालतू के एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो आप उस डाइट को ले लेना, सही हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, वो तो सही सही तो आपको कर ही देगी। नई डाइट लोगे तो भी सही हो ही जाओगे, बस खाना घर पे भी अच्छा खा लोगे, अच्छे से डाइट लोगे, फ्रूट्स आप कोई भी लोगे, सही हो ही जाओगे, दवाई अगर नहीं लेते हो तो। पॉजिटिव हो जाने पे वो डाइट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इस टेस्टिंग किट से जो पॉजिटिव हो रहा है उसकी कोई, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि तुम्हारे अंदर वायरस है तभी तुम पॉजिटिव हो रहे हो, ये सब ये टेस्टिंग किट ही एक तो ख़राब है। तो पॉजिटिव होते ही आपको कुछ बीमार सा फील भी नहीं हो रहा, आप नॉर्मल फील कर रहे हो और आप DIP डाइट ले रहे हो, इनकी 3-step डाइट ले रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसे की वेस्टेज है। या आप यही सोच सकते हो कि चलो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जैसी है उससे और अच्छी हो जाएगी, मतलब यही यही है बस, दिल को दिलासा देने वाली बात है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप एक्चुअली में बुखार फील नहीं कर रहे हो, जब तक बिस्तर पे आप पड़ नहीं गए हो 100-102 का फीवर लेकर के, तब तक कोई करने का फ़ायदा ही नहीं है यार। दोस्तों यही रीज़न है कि डॉक्टर बिश्वरूप को मैंने स्टार्टिंग के बस 15-20 दिन ही देखा, मतलब 15-20 दिन मतलब रेगुलरली देखा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरी कम हो गई, कुछ अच्छी वीडियो आ रही थी तो ही मैं देख रहा था, अब तो मैं कई महीनों से डॉक्टर बिश्वरूप को नहीं देखा हूँ। यही रीज़न है कि वो एक्चुअल जो सिनेरियो है उस पर बात नहीं कर रहे, जो जो असली प्रॉब्लम है इस दुनिया में, जो असली प्रॉब्लम, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो नौटंकी फैला रखी चुतिया पर जो हमें दिख रहा है वो असली प्रॉब्लम नहीं, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो मैं और तुम समझ रहे हो, जो जो चीज़ दिख नहीं रही है वो असली प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में सिर्फ डॉक्टर तरुण कोठारी हैं ही हैं जो बात कर रहे हैं, और कुछ और डॉक्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं, फेमस लोगों में से डॉक्टर तरुण कोठारी हैं, और डॉक्टर विलास भी कोई हैं एक अच्छे, वो भी अभी इस चीज़ में मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बिश्वरूप बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी वीडियो नहीं देखता हूं, क्योंकि जब उनकी हर वीडियो में उनकी वही बस 3-step फ्लू डाइट की ही हर वीडियो में वही बात रहती है और कुछ रहता ही नहीं है, तो ये तो पहली वीडियो में ही मैं समझ गया था, तो अब क्या कितनी वीडियो देखूँ। तो इसलिए आप भी जब तक वो कोई ढंग की वीडियो ना बनाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाओ। मैं उस एक हफ्ते में ही समझ गया था क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं इन बिश्वरूप डॉक्टर बिश्वरूप की वीडियो से ऊपर चला गया था, मैं और आगे की रिसर्च पे चला गया था, जो सीन चल रहा, जो मैं और तुम समझ रहे हैं, मैं उसके बारे में पढ़ने लगा था कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप लोग भी डॉक्टर बिश्वरूप की वीडियो से ऊपर बढ़ो, उनको जितना इन्फ्लुएंस करना था वो कर चुके हैं, उन्होंने अपना अच्छा काम किया है, उनकी मैं बुराई नहीं कर सकता, लेकिन बस बात यही है कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर तरुण कोठारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बस मेरा यही जवाब था फिलहाल, आपको कुछ और सवाल अगर पूछना है
या कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे को, मैं उसके बारे में बात कर लूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके काम आएगा, मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा।